हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर ऑफ जोशी ब्लॉग्स। तो आज हमारे डिनर में कुछ स्पेशल बन रहा है और हमारे शेफ बताएंगे कि वो क्या बना रहे हैं। शेफ हेलो। हेलो हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं गॉट ट्रॉटर सूप, जिसे पाया सूप भी बोलते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी होता है और सर्दियों में इसको खाया जाता है क्योंकि इसकी जो वो होती है काफ़ी तासीर जो होती है काफ़ी गर्म होती है और काफ़ी टेस्टी बनता है ये। तो हम बताएंगे आपको कैसे बनाया जाता है इसको। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने पाए ले रखे हैं और बेटर है कि अगर आप केमिकल क्लीन पाए ना लें और जो भुने हुए पाए होते हैं वो आप लें तो उसमें ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपने इनको क्लीन कर लिया? हाँ, इनको मैंने अच्छे से ये कट करके मैं लेके आया था और अब इसको अपने अच्छे से क्लीन करके साफ कर लिया है, पानी में गर्म पानी में इसको धो लिया है। तो अब बनाने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं रखेंगे, थोड़ा ही रखेंगे ताकि ये फ्राई हो सकें। जो मेन रेसिपी है वो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इनको हमें अच्छे से फ्राई करके, अच्छे से इनको बॉईल करके, जो इनका मेन जो वो है इसका क्या कहते हैं टेस्ट है वो तब उसमें निकलेगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी थोड़ा सा तेल रखा और हम इसको गर्म करें। चलिए, अब तेल हो गया हमारा गर्म और इसमें हम डाल देते हैं मटर। अब आप इसको अच्छे से भूनेंगे इसको। हाँ, इसको आप कम से कम भी नहीं, आपको 5 से 10 मिनट तक भूनना है ताकि ये अच्छे से इसका जो रॉ वाला पार्ट है वो पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, प्लस जो इसका अंदर का ग्रीस है ना वो अच्छे से वो निकल जाए। और तो भूनेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं क्योंकि बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक क्योंकि बाद में भी हमें नमक डालना है, क्योंकि ये हम अभी इसमें रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। अभी हमारी जो क्या बोलते हैं इनको, ट्रॉटर बोलते हैं इनको, गॉट ट्रॉटर या फिर पाया। तो जो हमारे पाए हैं ये अच्छे से भुन रहे हैं, हमारे नहीं बकरी के बकरी के जो पाए हैं वो अच्छे से भुन रहे हैं। तो 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं बाहर। आरू, क्या चल रहा है, कौन सा गेम खेल रहे हो आप? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इन्हें भूनते हुए हो गए हैं 10 मिनट और देखिए कलर कितना चेंज हो गया है। तो शेफ, अब हम इसमें क्या करेंगे? तो ये अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पानी ऐड कर देंगे और इसमें अच्छा खासा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने 1 kg ले रखा है तो इसमें ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। इसमें 8 या 10 cc निकाल देंगे, 8 या 10 cc निकाल देंगे और तब हमारे जो ट्रॉटर्स हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। तो आप इसमें अभी और पानी ऐड करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो इसमें अभी हमने केवल वाटर एंड सॉल्ट ऐड किया है और पानी डाला है भूनने के बाद। अब हम इसको बंद कर देंगे, तो बाकी की रेसिपी है वो हम अलग से प्रिपेयर करेंगे। तो अभी आपने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया? जी हाँ, इसमें 8 या 10 whistles हमें निकाल देंगे और गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जैसे ही 1 whistle आती है फिर आप उसको लो फ्लेम पर करके 8 से 10 whistles निकाल देंगे। चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे थोड़ी देर में। क्या कर रहे हो आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है ग्रेवी का मसाला, आई मीन उसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे रेडी किए जा रहे हैं। तो शेफ, आप बताइए क्या क्या आपने लिया है? इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर, टमाटो एंड अनियन।
तो यहाँ पे हम आपको शेफ की चॉपिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। हाँ चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो अनियन है वो कट रहे हैं और सब कुछ रेडी होने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। अपने आप कैसे कटेगा, आप काट रहे हो ऑब्वियसली। तो हमारे अनियन यहाँ पे काटे जा रहे हैं। शेफ के स्किल्स आपको मैं दिखा रही हूँ, हमारे जो शेफ है उनके स्किल्स। वाओ, तो चलिए मिलते हैं आपसे। शेफ आप क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं यहाँ पे जिंजर और गार्लिक को ग्राइंड कर रहा हूँ। और इधर मैंने ऑलरेडी खड़े मसाले डाल दिए, खड़े मसाले के साथ मैंने अनियन डाल दिए। अनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो इसको फ्राई होने के बाद फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें खड़े मसाले और अनियन, खड़े मसालों में आपने क्या क्या लिया है? मैंने इसमें ज्यादा खड़े मसाले डाले क्योंकि जो ऑलरेडी जो टॉटर होता है उसकी तासीर गर्म होती है, उसकी टेंडेंसी जो गर्म है, तो इसलिए मैंने खड़े मसाले में केवल ब्लैक पेपर और बड़ी इलायची बस, क्योंकि लौंग वगैरह डालेंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आप लहसुन अदरक को ग्राइंड कर रहे हैं। ओके, देखिए जो अनियन है ये फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आप ढाबे वगैरह में खाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी लाल होती है। एक्चुअली ग्रेवी लाल होने का क्या रीज़न है कि वो क्या करते हैं, जो इस पॉइंट पे जब आपके अनियन ब्राउन हो गए हैं तो वो देगी मिर्च ऐड कर देते हैं। जैसे वो मिर्च ऐड करेंगे तो क्या होता है, जो मिर्च होती है वो अपना कलर ऑयल में छोड़ देगी, तो उससे क्या होता है जो ऑयल होता है उसका कलर रेड हो जाएगा। तो अब हम जब ग्रेवी बनेंगे तो आप देखिए ग्रेवी जो होगी लास्ट में जो उसका ऑयल ऊपर से आएगा उसका कलर एकदम रेड होगा। तो हमने ये देगी मिर्च ऐड कर दी, ये देगी मिर्च कलर के लिए यूज़ किया। हाँ जी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बट ये कलर देगी उसको, एक अच्छा टेक्सचर देगी। और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हम इसमें अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाया है उसको ऐड करते हैं और फिर हम उसमें टमाटर ऐड करके हम ग्रेवी को अच्छे से कुक करेंगे। चलिए हमारी ग्रेवी बनती है, फिर आप समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पेस्ट हमने बनाया है इसमें, वो उसका रीज़न ये है कि इसमें अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम इसमें ग्राइंड करते हैं इसको। क्या बोलेंगे हम, इमाम दस्ता बोलते हैं। इसमें कूटने से अच्छा फ्लेवर आता है और मिक्सी में अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो उतना अच्छा एक स्मेल और फ्लेवर नहीं फील होता। फ्लेवर भी आता है, थोड़ा ग्रेवी को भी थिक करता है। हाँ, इससे थोड़ी ग्रेवी भी थिक होती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है, तो इसलिए हम लोग मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं, अब नेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें हम टमाटर डालेंगे, तो टमाटर मैं ग्रेटर करके डालता हूँ क्योंकि अगर हम काट के डालते हैं तो पकने में टाइम लग जाता है। इसलिए हम ग्रेटर करते बराबर, जैसे कि हमारा मसाला पक रहा है और धीरे धीरे करके ऑयल रिलीज करना है स्टीम कर दिया, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं क्योंकि ये एक सूप है तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, तो हम थोड़ा इसमें मटर मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर आ जाएगा। तो इसमें कोई और मसाला नहीं डाला, खाली थोड़ा सा मटन मसाला डाला है। मटन मसाला, हाँ जी, और इसको हम अच्छे से ग्रेवी है उसको अच्छे से पका लेते हैं। जब ये तेल छोड़ना शुरू कर देगी तो इसमें हम आप जो टोटर सूप है, तो यहाँ पे जो सूप है वो रेडी हो चुका है। हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये सूप हमारा पक चुका है, इसमें 10-12 बजे आ चुके हैं। आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा मिल्की हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका कलर मिल्की कलर हो गया है। तो अब ये मसाला रेडी होगा तो आप इसको मसाले में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं और इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, खाली बस मसाले में सूप ऐड कर देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद खाएंगे मजे से। चलिए फ्रेंड, तो वेट करते हैं बनने का, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अभी सूप डालने से पहले हमने क्या किया, इसमें जो हमारे जो टॉटर के पीसेस थे वो हमने ऐड कर दिए,
अब ये अच्छे से हमने इसको मसाले के साथ भून लिया है। अब हम इसमें सूप ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट। तो पहले थोड़ा आपने इनको भून लिया मसाले में? हाँ जी, ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। यहाँ हम इसमें सूप है, आलू कैसा लग रहा है? यम्मी यम्मी। तो ये सर्दियों में काफ़ी हेल्दी होता है गाइस, काफ़ी गर्म रहता है। अगर कोल्ड एंड कफ आपको हो रहा है और आप इसका एक बाउल सूप पी लें बस, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अभी इसमें कितना और टाइम लगेगा? बस इसको 15 से 20 मिनट हम पकने देंगे, उसके बाद ये सूप हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सूप बन के हो गया है रेडी। देखिए कितना डिलीशियस, कितना यमी लग रहा है। तो चलिए इंजॉय करते हैं, और अभी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको हमारा ब्लॉग देख के मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।